सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्नैक रेस्क्यू टीम बिलासपुर में। अभी हम लोग बिलासपुर से 15 किलोमीटर दूर सेलर गांव में आए हुए हैं। यहां पे हमको इन्फॉर्म किया गया है एक ही गांव में नियरेस्ट घर के आसपास दो सांप है। हमारे साथ 112 से ऑन ड्यूटी है किशोर कुमार बानी जी, महेंद्र पांडे जी। 112 मतलब छत्तीसगढ़ में चलाया गया एक ऐसा नंबर है जिसको आप इमरजेंसी के लिए कभी भी याद कर सकते हैं, बट प्लीज उसका मिसयूज मत करिए, जब जरूरी है तभी मदद करिए। चलिए तब तक हम लोग रेस्क्यू कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं कौन सा सांप है। इस तरीके से बताया था इस एरिया में सांप है और उन लोगों ने इसको बंद करके रख दिया है कपड़े से। दिख रहा इतने लोग देख कर आएगा भी नहीं कहाँ से ये काला पकड़े कपड़ा फिर एक निकाल ये भी तक निकाल भाई, चल भाई ये पकड़ कर निकाल। ये टेन से ये तो ठीक है, इसी चलाने रे काहे तो आज कर खाओ रे इसी जगह खाली है। एकदम पतला सीन नहीं नहीं इसको हटा चो तो उसको तो भाई मैच का आ गया पीछे रुको पीछे जाने मेरे को पीछे जाने हट जाओ भैया हट जाओ अरे दादा के भाई मस्त काम अभी जस्ट देखिए आरती ने बैंडेड रेसर सांप को रेस्क्यू किया जो कि 10 फीट दूरी में था सामने वाले घर पे। और एक जस्ट अभी बता रही कि इस घर को तोड़ रहे हैं, इसमें बिग साइज का कोबरा बता रही है। चलिए इसे सही सलामत रेस्क्यू करते हुए इस फैमिली को हम लोग सेव करते हैं और सांप को भी सुरक्षित जगह पे छोड़ते हैं। चलो काम करें। वाह रे बाबा, निकल के निकल के। अरे दादा रे ये है कौन है देखो देखो कौन सा सांप है गौवा डोमी। धोखे से हम इसके शिकार बन जाते हैं जबकि ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन है चूहे का, मेढक का, कीड़े मकोड़ों का, है ना।
तो लेकिन गांव के लोग शिकार बनते हैं जब इनको काटता है, तो गांव के लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि कोई ऐसा माँ का स्थान चबूतरा में ले जाओ, लिटा दो तो ठीक हो जाएगा, कोई बैजा के पास ले जाओ, कोई देसी इलाज कराओ, कोई बाबा के जड़ी बूटी खिलाओ तो ठीक हो जाएगा। सांप काटने से कोई बैगा कोई बाबा आपकी जान नहीं बचा सकता। आप ही गाँव से अभी हाल ही में सांप काटा था जो साहूज परिवार की, उनकी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी जान बच गई। अगर वही बाबा के पास ले जाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब भी सांप काटता है तो इमीडिएट आपको हॉस्पिटल जाना है। कई लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर सांप काटने से कितना समय होता है, तो भैया सांप काटने से कोई समय निर्धारित नहीं है कि 4 घंटा 5 घंटा। कई देखिए कुछ लोग 1 घंटा जी जाते हैं, कोई लोग आधा घंटे मर जाते हैं, कुछ लोग 5 घंटा जी जाते हैं। सांप जब भी काटता है क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है इसने किस नस में जहर डाला और कितने मात्रा में जहर डाला और कितने गुस्से में जहर डाला, और उसके बाद निर्भर करता है मरीज कितना घबरा रहा है, कितना भाग दौड़ कर रहा है। जितना भागेगा दौड़ेगा उसका हृदय गति बढ़ेगा, और हृदय गति बढ़ेगा तो तेजी से खून अपना दौड़ेगा, उसमें हमारा जहर भी फैलेगा, है ना। तो इसीलिए आप समय की इंतजार मत करिए, क्योंकि सांप काटने से सबसे अच्छा टाइम है 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के अंदर। मैंने जितने जल्दी आप हॉस्पिटल चले जाएंगे आपकी बचने की उम्मीद उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि एंटीवेनम को भी शरीर में काम करने के लिए समय चाहिए और डॉक्टर को भी इलाज करने के लिए समय चाहिए। अगर हमारे हार्ट में हमारे ब्रेन में अगर जहर फैल जाएगा तो डॉक्टर भी और एंटीवेनम भी कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो जब भी सांप काटे तो क्या करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है, कहीं फाड़ना चीरना काटना नहीं है। आपको क्रेप बैंडेज गर्म पट्टी बांधना है, जैसे हमको पैर हाथ पर मुंह आता है जिस विधि में हम पट्टी बांधते हैं उसी विधि में बांधना है। तो प्लीज आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है तो यूट्यूब में हमारा चैनल है स्नेक रेस्क्यू टीम बिलासपुर के नाम से, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हर घर से जो सर्वप्रधान से जो मृत्यु होती है उसमें कमी आए। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, किसी की जान बचाते हुए, किसी की हेल्प करते हुए।